हेलो फैमिली, तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। चलिए शुरू करते हैं। यार ये लोग कितना हा हा चिल्ला रहे हैं यार। चिल्लाओ मत। ओए सुनो, तुम्हें होप ऑफ द हिंदुस्तान पता है क्या? हाँ। सब्सक्राइब किया है? हाँ। तो यार देखो, मुझे एक ट्रिक पता चली है इन लोगों को घर पे लेके जाने की। अभी मेरे को समझा यार कि ये जो बेल है ये किस काम की आती है। अगर हम इस बेल को बजाते हैं ऐसे, तो ये सारे के सारे लोग जो है वो बेड की तरफ भागते। कोई सेंस है इस बात? ओके, तो यार हम लोगों ने यहाँ पर बेल भी तोड़ दिया है एंड बेड भी तोड़ दिया है। तो यार ये देखो, यहाँ पर मैं बेल बजाऊंगा एंड सारे के सारे लोग भागते हुए यहाँ पर इस बेड के पास आ जाएंगे। ओके, तो देख सकते हो यार सारे के सारे लोग जो है बेड की तरफ भागते भागते आ चुके हैं। अभी हम लोगों को यही चीज करते जाना है एंड आगे चलते जाना है। चलो यार जल्दी जल्दी, हमको बहुत दूर जाना है। इनको ले जाने में मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगने। वापिस किधर जा रहे हो भाई? अरे बाकी के भी आओ यार, मैं कब से यहाँ पर रुका हुआ हूँ यार। मैं यहाँ से जैसे बेड को हटाता हूँ ये लोग पता नहीं किधर भाग जाते हैं। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया यार। ये दोनों लोग इसमें बैठ चुके हैं मस्त यार, एक नंबर भाई। ये दोनों के दोनों लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। बस मेरे को रस्सी से इन लोगों को खींचना है। क्या हो क्या रहा है यार, इन लोगों को मैं बांध के नहीं लेके जा सकता क्या? सॉरी यार, तू उठ जा। आई एम सॉरी बाबू। ओए विलेजर सुन, यहाँ पर बैठ जा भाई। यस, ये बैठ चुका है, मेरे को भी इस पे बैठना पड़ेगा भाई। कितना धीरे चल रहे यार, ऐसे तो मेरे को सालों लग जाएंगे। सो गाइस यार, मैं इन लोगों को घर पे लेके जाता हूँ, फिर मिलते हैं घर पे। सो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हो यार, यहाँ पर मैंने दो विलेजर्स को यहाँ पर माहिष्मती में लाया है। यहाँ पर यार हमारा एनिमल फार्म हुआ करता था, लेकिन अभी यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर एक विलेजर का टाउन बनाने वाला हूँ। अभी हम इन दोनों विलेजर को यार ब्रीड करवाने वाले हैं, इन लोगों को खाना देने वाले हैं एंड ये बहुत सारे, इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ने वाली है। Nice. जल्दी से यहाँ पर वीट तोड़ लेते हैं एंड जल्दी से वीट का ब्रेड बना लेते हैं एंड जल्दी से यार विलेजर्स को ब्रीड करते हैं। ओके, तो यार आप लोगों ने मुझे बताया था कि शियर से जो है हम वूल निकाल सकते हैं बिना शिप को मारे। तो जल्दी से यार वुल निकाल लेते हैं एंड जल्दी से बेड भी बना लेते हैं। तो यार मैंने कभी शीयर्स का इस्तेमाल किया नहीं है, मैं पहली बार शीयर्स को यूज करने वाला हूँ। बाकी देखते हैं यार शीयर से कैसे निकलते हैं। ओके, तो ये ओहो, इसका हमको वुल मिल गया और ये मरी भी नहीं। तो यार हम लोगों ने सबको नंगा कर दिया है, हमने उन सबके कपड़े निकाल दिए है। यार अगर हम किसी शिप को मारे तो यार हमें बस एक ही वुल मिलता है। लेकिन यार ये देखो, मैंने शीयर्स लगा के यहाँ पर इनसे वुल निकाला तो मुझे 11 वुल मिले भाई, मस्त है यार। तो बस यहाँ पर एक ही बेड बनाए क्योंकि हमारे पास ये जो प्लैंक्स है यार उसकी कमी पड़ गई है। ओके, तो यार चार बेड तो यहाँ पर हो चुके हैं, तो आई थिंक ये लोग ब्रीड कर लेंगे अभी। तो इन लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा पहले। यार इतने ब्रेड में हो जाएगा इनका, मेरे पास 80 ब्रेड बने हैं बस। अरे ये लोग तो सो गए शायद से, यार अभी जो है रात होने वाली इसलिए ये लोग सो गए, तो मैं भी सो जाता हूँ यार। नेक्स्ट डे। तो चलो यार इन लोगों को खिला के देखते हैं भाई। इधर आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ, मैं तुम लोगों को ब्रेड दे रहा हूँ, आ जाओ इधर, उठाओ जल्दी। इसने बहुत सारे ले लिए ऑलरेडी, इसको देते थोड़ा सा भाई, तू भी ले। मैं यार दोनों को ब्रेड डाल रहा हूँ एंड ये एक ही बंदा ले जा रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे खाओ यार, मेरा सब ब्रेड भी खत्म होने आया, जल्दी जल्दी। ओ हो 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 भाई, इनका छोटा सा बच्चा आ चुका है यार, ये कितना क्यूट है भाई। तू भी इधर आ जा, तू भी खा ले यार, कितना क्यूट है, मतलब कितना छोटा है ये। ये भी हा हा कर रहा है यार। एक तो पहले इन लोगों ने मेरे को हा हा बोल के पका दिया है। ये ब्रेड नहीं खाता क्या? ले लिया ब्रेड। ये बंदा भी ब्रेड खाता है, मेरे को लगा यार ये ब्रेड नहीं खाएगा, ये पार्ले जी खाएगा। रुक जा, तुम लोग यार, तुम लोगों ने एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दे दिया, ये लो यार तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, खाओ। तो यार इनकी पॉपुलेशन ऐसी बढ़ने वाली आगे। बाकी यार चलते हैं अभी, दूसरे काम करते हैं, बाकी के बहुत सारे काम करने हैं अभी हमको। तो यार देखो, अभी सबसे पहला काम करना है हमको बुक्स बनाने है, क्योंकि यार अभी हमको लाइब्रेरी बनानी है एंड लाइब्रेरी से जो है एनचैंटिंग टेबल बनाना है। एनचैंटिंग टेबल से क्या होगा यार, हम हमारे टूल्स को यार एनचैंट कर पाएंगे एंड वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर जितना भी शुगर केन मिलता है ले लेते हैं जल्दी जल्दी। मेरे पास बहुत सारा शुगर केन हो चुका है, बट यार हमको और चाहिए क्योंकि बुक्स बनाने के लिए यार बहुत ज्यादा लगता है। ओके, तो यार देख सकते हो मेरे को कितना सारा यहाँ पर शुगर केन मिल चुका है। 64+64 128 and 128 और 3 131 शुगर केन मिल चुके हैं हमारे पास। अब देखते हैं यार इससे कितने सारे बुक्स बनते हैं। यार बुक्स कैसे बनाते हैं मेरे को नहीं पता यार, मैं पहली बार बना रहा हूँ बुक्स। पेपर बनता है शायद पहले, 3 शुगर केन से 3 पेपर बनते हैं। तो देखते हैं यार यहाँ पर कितने पेपर हम बना सकते हैं। मेरे को लग रहा है यार बहुत सारे यहाँ पर पेपर बन जाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर शुगर केन पड़े हुए हैं। तो यार हमारे पास 63+63+3
पेपर हो चुके हैं। ये कितना होता है पता नहीं यार, मेरे को कैलकुलेटर ही लाना पड़ेगा। ओके तो यार अभी हमको बुक बनानी पड़ेगी। बुक कैसे बनती है, 3 पेपर एंड 1 लेदर से जो है हमारी बुक बनती है। तो यार मेरे पास तो लेदर बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो 10 बुक बन चुके हैं यहाँ पर। भाई लेदर की कमी पड़ गई तो लेदर लाना पड़ेगा। लेदर का टेंशन है यार, काऊ हमारे पास बहुत सारे। तो यार मुझे पावरफुल बनना है, इसलिए तुम लोगों को बलिदान देना पड़ेगा। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। सॉरी यार गायो। सो यार हमारे पास जो है 15 बुक्स बन चुके हैं, एंड अभी हमको जो है बुक शेल्फ बनाना है। बुक शेल्फ से जो है एक लाइब्रेरी बनानी है हमको बुक्स एनचेंट करने के लिए। तो यार वो थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर है, वो अभी हम लोग बनाएंगे। बट उससे पहले यार मेरे को लकड़ियां काट के लानी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए जो है प्लैंक्स लगते हैं। तो यार हमारे पास 41 हो चुके हैं वुड, एंड तो चलो यार जल्दी से इसको वुड को कन्वर्ट करते हैं प्लैंक्स में। यहाँ पर ये बन गए प्लैंक्स। सो गाइस यार हमारे पास 5 बुक शेल्फ बन चुके हैं, एंड 5 से तो काम नहीं होगा, तो हमको और लगने वाले हैं। तो यार जैसे जैसे हमारा शुगर केन फार्म जो है बढ़ेगा और हमको पेपर्स और वो सब मिलता रहेगा, सब सामान मिलता रहेगा, हम जो है हमारे लाइब्रेरी को कंप्लीट करते जाएंगे। तो यार ये देखो, ये सबसे नीचे यानी कि ग्राउंड फ्लोर है। तो यार मैं यहाँ पर जो है लाइब्रेरी बनाने वाला हूँ। अच्छा, बाकी यार बात रही इन लोगों की कि इन लोगों का क्या करना है, तो ये हम लोगों के लिए काम करते हैं। इन लोगों को अलग अलग जॉब्स देनी पड़ती है। तो यार मुझे इतना तो पता है कि इन लोगों को जॉब्स देनी पड़ती है, बट यार मेरे को ये नहीं पता कि क्या क्या टूल्स लगने वाले हैं इनको जॉब देने के लिए। तो यार आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम, नीचे यार कमेंट करके बताओ कि इन लोगों को क्या क्या चीजें लगते हैं, क्या क्या टूल्स लगते हैं। सो यार मिलते हैं अगले एपिसोड में, गुड बाय। I'm gonna make you mine.